वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट होम। ठीक है, तो हम आपका कौन सा चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर फर्स्ट की हमने रिवीजन कर ली थी बेटा, लास्ट में जो लास्ट लेक्चर था। नाउ वी विल डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर सेकेंड। ओके, सेकेंड चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। हमने कौन सा चैप्टर हमारा सेकेंड? भोला द एलिफेंट। ठीक है, भोला एलिफेंट कैसा था? एक बेबी एलिफेंट था जो फिट नहीं हो पाता था अपनी चेयर पे, क्योंकि वो क्या था, एक फैट बेबी एलिफेंट। भोला डज नॉट प्ले, डज नॉट जंप विद द रोप, कि वो रोप से जंप भी नहीं कर पाता था और ना ही वो बॉल से प्ले करता था। ही जस्ट ईट्स ऑल द डे, वो सारा दिन क्या करता था? खाता ही रहता था। ही ऑल्सो हैव नो फ्रेंड्स, एवरी वन मेक सम फन ऑफ हिम, कि सारे उसका क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। ठीक है, इसलिए उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। वन डे हीज मदर गेट हिम अ बाइसाइकिल, एक दिन उसकी मम्मा क्या लिख के आई उसके लिए? बाइसाइकिल। ही राइड्स टू स्कूल एवरी डे, वो डेली कहाँ जाता था? स्कूल में चला कर जाता था। ठीक है, एंड आफ्टर फ्यू वीक भोला इज नॉट फैट एनी मोर, कुछ ही वीक्स में यानी कुछ ही हफ्तों में भोला क्या हुआ? अब फैट नहीं रहा। ही विंस ऑल हिज रेस इन स्कूल, सारी रेसेस जो होती थी स्कूल में वो विन कर जाता था। नाउ अब उसके क्या थे? बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, अब वो बहुत हैप्पी हो गया था। ठीक है बेटा, ये हमारी स्टोरी थी भोला एलिफेंट की। नेक्स्ट देखो, ये बैक एक्सरसाइज है, इसमें येस और नो के आंसर बताने थे। ठीक है, भोला इज़ ए बेबी टाइगर, क्या भोला बेबी टाइगर था? नो, भोला तो क्या था? बेबी एलिफेंट। सेकेंड देखो, भोला डज नॉट फिट इन टू हिज क्लासरूम चेयर, क्या वो अपने क्लासरूम की चेयर में फिट नहीं होता था? येस, वो नहीं हो पाता था। भोला डज नॉट प्ले, येस भोला प्ले नहीं करता था। भोला प्लेज फुटबॉल एवरी डे, क्या वो फुटबॉल प्ले करता था एवरी डे? नो। मदर्स गेट हिम अ बाईसाइकिल, उसकी मम्मा ने क्या लेके दी उसको? बाईसाइकिल, येस। भोला राइड्स टू स्कूल एवरी डे, भोला डेली राइड करके जाता था स्कूल, ये भी राइट है। ठीक है, तो ये थी आपके येस और नो के आंसर्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं हमने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डज भोला नॉट फिट इन हिज चेयर, भोला अपनी चेयर पे फिट क्यों नहीं हो पाता था? भोला डज नॉट फिट इन हिज चेयर बिकॉज ही इज, क्या था वो? फैट, बिकॉज ही इज फैट। ओके, सो देखो नेक्स्ट देखो, भोला डज भोला प्ले, क्या भोला प्ले करता था? येस और नो? नो, भोला डज नॉट प्ले, भोला प्ले नहीं करता था। वाई डज भोला हैज नो फ्रेंड्स, भोला के फ्रेंड्स क्यों नहीं थे? भोला हैज नो फ्रेंड्स बिकॉज दे मेक फन ऑफ हिम, उसका क्या करते थे? मेक फन करते थे, मजाक उड़ाते थे ना भोला का, इसलिए उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट डज मदर गिव वन डे, तो भोला की मदर ने वन डे उसको क्या लिख के दिया था? यस, बाईसाइकिल, वेरी गुड, मदर गिव्स भोला अ बाईसाइकिल। ओके, नाउ वाई इज भोला नॉट फैट एनी मोर, भोला फैट क्यों नहीं रहा? भोला इज नॉट फैट एनी मोर बिकॉज ही डैश हिज बाईसाइकिल टू स्कूल एवरी डे, बाईसाइकिल क्या करके जाता था वो स्कूल में? राइड, ही राइड्स हिज बाईसाइकिल टू स्कूल एवरी डे, यस। ओके, नाउ कमिंग टू द वर्ड मीनिंग एंड मेक सेंटेंस, तो इस चैप्टर की हम वर्ड मीनिंग और मेक सेंटेंस करेंगे। आपको फोर मैंने वर्ड मीनिंग करवाए थे और उसी की हमने सेंटेंस किए थे। सी द फर्स्ट वन, रोप। रोप का मीनिंग क्या होता है बेटा? हिंदी में कहते हैं रस्सी, रस्सी को रोप कहते हैं। अगर उसको हम इंग्लिश में राइट करें क्या राइट करेंगे? स्ट्रॉन्ग थ्रेड, क्या राइट करेंगे? स्ट्रॉन्ग थ्रेड। ओके, नेक्स्ट देखो, मेक फन, मेक फन का मीनिंग क्या होता है? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इंसल्ट, क्या राइट करेंगे हम? इंसल्ट। नेक्स्ट देखो, राइड, राइड का मीनिंग क्या होता है? चलाना, है ना, किसी भी चीज़ को चलाना। वो बाईसाइकिल राइड करता था, आपके पापा क्या राइड करते हैं? कार राइड करते हैं, स्कूटर राइड करते हैं, तो राइड को हम क्या कहते हैं? चलाना, है ना, तो उसको हम इंग्लिश में क्या राइड करेंगे? ड्राइव, क्या राइड करेंगे? ड्राइव, ड्राइव करना। ओके, विन, विन का मतलब क्या होता है? जीतना, किसी भी चीज़ को जीत जाना, यानी अगर आप सबसे पहले वो काम करोगे तो आप जीत जाओगे, यानी फिनिश फर्स्ट,
जो फिनिश फर्स्ट करता है वो क्या होता है, विन। ठीक है, विन का मतलब क्या होता है, फिनिश फर्स्ट। मम्मा आपको कहती है ना फिनिश योर वर्क फर्स्ट, फिनिश योर लंच, फिनिश करो आप। अब अगर अपने ब्रदर के साथ या सिस्टर के साथ बैठते हो, मम्मा कहते हैं ना देखते हैं कौन पहले फिनिश करेगा फिर वो विन करेगा, तो ये होता है उसका मीनिंग। ठीक है, फिनिश फर्स्ट। नेक्स्ट देखो मेक सेंटेंस, फर्स्ट रोप, रोप, आई हैव अ रोप। सबसे सिंपल सेंटेंस, आई हैव अ रोप, मेरे पास रोप है। मेक फन, मेक फन का क्या बनाएंगे हम, कि हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना, सो डोंट मेक फन, डोंट मेक फन। राइड, राइड मतलब चलाना, आप बाईसाइकिल चलाते हो ना, तो आई राइड बाईसाइकिल, आई राइड बाईसाइकिल। विन का मीनिंग क्या होता है, जीतना, आई विन ऑल गेम्स, आई विन ऑल गेम्स। ओके, नाउ कम टू इट्स क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज भोला, भोला कौन सा एनिमल था, भोला इज एन एलिफेंट, भोला क्या था, एक एलिफेंट था, है ना, भोला कौन सा एनिमल था, एलिफेंट। नेक्स्ट देखो, व्हाई डज भोला नॉट फिट इन हिज क्लासरूम चेयर, कहते भोला अपनी क्लासरूम की चेयर में फिट क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि वो क्या था, फैट। मैंने बताया था ना जहाँ पर भी वाई आता है, ये देखो वाई राइट किया है, तो वाई वाली जगह पे क्या आएगा, बिकॉज, बी ई सी ए यू एस ई, बिकॉज ही वाज फैट, क्योंकि वो क्या था, फैट था। व्हाट डज भोला डू ऑल डे इन स्कूल, कहते सारा दिन स्कूल में क्या करता था, भोला खाता रहता था ना, सब सारा दिन खाता रहता था, तो ये देखो भोला, भोला ईट्स ऑल डे, तो भोला ऑल डे तो हमारे क्वेश्चन में ही है, हमने क्या राइट किया, सिर्फ आंसर ईट्स। ओके, सो सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज भोला हैज नो फ्रेंड्स, कहते भोला के फ्रेंड्स क्यों नहीं थे, अब वाई आ गया यहाँ पे भी अकेन, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, पहले बिकॉज, बिकॉज दे मेक फन, क्योंकि वो मजाक उड़ाते थे, है ना, बिकॉज दे मेक फन। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट डज भोलाज मदर गेट हिम एज अ गिफ्ट, अब भोला की मदर ने उसके लिए क्या गिफ्ट लेके आई थी, यस ये तो सबको पता है ना, वेरी गुड वेरी गुड, बाईसाइकिल। भोला की मम्मा क्या लेके आई थी उसके लिए, बाईसाइकिल। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर सेकेंड, उसके वर्ड मीनिंग, बैक एक्सरसाइज एंड मेक सेंटेंस एंड क्वेश्चन आंसर्स। नाउ नाउ ये देखो बेटा, इसकी रिवीजन वर्कशीट है, ये आपने अपनी नोटबुक पे ही सॉल्व करनी है विदाउट चीटिंग। ओके, फर्स्ट देखो आपने इनके वर्ड मीनिंग्स राइट करने हैं, मेक फन एंड राइड के, देन आपने इनके क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं विन एंड रोप के। आफ्टर दैट बेटा ये थ्री क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, इसके आंसर राइट करने हैं, और यहाँ पे आपको नीचे डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, राइट ट्रू और फॉल्स, अगर वो सही बात कर रहा है तो हम ट्रू राइट करेंगे, अगर वो गलत बात कर रहा है तो हम क्या राइट करेंगे, फॉल्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे राइट करना है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे राइट करने हैं। ओके बेटा, तो आपने अपनी नोटबुक पे ये सारा सॉल्व करनी है वर्कशीट। ओके बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 2, थैंक यू।